हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन को स्टार्ट होने में अब करीब 20 से लेकर 25 दिन का वक्त ही बाकी रह गया है। और ऐसे में आईपीएल 2021 के लिए सारी टीमों ने और उनकी फ्रेंचाइज ने, उनके मैनेजमेंट ने अपनी अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। इसके साथ ही गाइज, अभी अभी बीसीसीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हमारे सामने निकल कर आई है, जहां पर आईपीएल में 9th टीम की एंट्री आपको इसी साल देखने को मिलेगी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से बीसीसीआई का डिसीजन चेंज हो चुका है 9th टीम की, आप लोगों को आईपीएल 2021 में एंट्री देखने को मिलने वाली है, कौन इस टीम का कैप्टन होगा, किस तरीके से ये फ्रेंचाइज फॉर्मुलेट होगी, इसके साथ ही कौन इस फ्रेंचाइज के ओनर होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब, और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस बार आईपीएल 2021 में स्टार्टिंग में बीसीसीआई ने बताया था कि हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में जैसे ही ये डिसाइड हुआ कि मेगा ऑक्शन इस बार पॉसिबल नहीं है, अगले साल हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा, तो बीसीसीआई ने 2 नई फ्रेंचाइज को ऐड करने के अपने फैसले को भी ड्रॉप कर दिया था। उन्होंने बताया था कि इस साल हमें टेंडर देखने को मिलेगा 9th और 10th टीम के लिए, और ये 2 नई टीमें हमें ऐड होते हुए नजर आएंगी आईपीएल 2022 से। लेकिन गाइस, 17 तारीख को हमें बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल की मीटिंग देखने को मिली थी, और उस मीटिंग में बीसीसीआई ने अपने फैसले में बदलाव कर लिया है, जहां पर बताया जा रहा है कि अब बीसीसीआई आईपीएल 2021 में ही नई टीम की एंट्री करेगी, लेकिन 2 नहीं, सिर्फ 1 ही टीम की एंट्री आपको देखने को मिलेगी, दूसरी टीम की एंट्री आपको आईपीएल 2022 में देखने को मिलेगी। तो 9th वाली टीम आईपीएल 2021 में अपनी एंट्री इस बार करेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी ये टीम होगी, कौन इनके कैप्टन होंगे। तो इस टीम के लिए बीसीसीआई ने अहमदाबाद लॉयंस का नाम एपेक्स मीटिंग में कंफर्म कर दिया। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद की फ्रेंचाइज के आसपास और कोई भी फ्रेंचाइज नहीं है, चाहे वो पैसे की बात हो, ग्राउंड की बात हो, या फिर स्टेबिलिटी की। अहमदाबाद लॉयंस की टीम आपको 9th नंबर की टीम के रूप में आईपीएल 2021 में खेलते हुए देखने को मिलेगी। अगर इनकी कैप्टनसी की बात की जाए तो सुरेश रैना इनकी कैप्टनसी आपको करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि सीएसके की टीम 11 करोड़ में शायद सुरेश रैना को रिटेन ना कर पाए। तो सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स से अगर वो रिलीज होते हैं तो अहमदाबाद लॉयंस की टीम उनको अपना नया कप्तान बनाना चाहती है। आगे बढ़ते हैं गाइज, और बात करते हैं कि किस तरीके से इस टीम का ड्राफ्ट बनेगा, यानी कि किस तरीके से इनकी टीम फॉर्मुलेट होगी, क्योंकि इनके पास कोई भी प्लेयर नहीं है। तो बीसीसीआई इनको 85 करोड़ रुपए का बैलेंस पर्स दे देगी, और गाइज, मिनी ऑक्शन से पहले ही इस टीम को अलाउ किया जाएगा कि ये 8 से लेकर 12 प्लेयर्स के ड्राफ्ट को सीधे सीधे अपनी टीम में शामिल कर सकती है, लेकिन उन प्लेयर्स के प्राइस को बीसीसीआई डिटरमाइन करेगी। जितना बीसीसीआई को लगता है कि उन प्लेयर्स के ऊपर ऑक्शन में बिडिंग हो सकती है, उतने पैसे का ड्राफ्ट बनाकर बीसीसीआई इनको प्लेयर दे देगी। यानी कि सपोज ऐसा किया जा सकता है कि 45 से 50 करोड़ इनका बैलेंस पर्स डिडक्ट कर लिया जाए और इनको 10 से 12 प्लेयर दे दिए जाएं, और बाकी के 35 से 40 करोड़ रुपए में इनको 8 से 10 प्लेयर्स बाय करने होंगे मिनी ऑक्शन में, जिसमें की बाकी टीमें भी करती हैं। तो इस तरीके से इनका ड्राफ्ट हमें बनते हुए नजर आएगा। फिलहाल गाइज, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर कौन हमें इस टीम को खरीदते हुए नजर आएंगे, यानी कि ओनर्स इस टीम के कौन होंगे। तो इसके ओनर्स की रेस में ऑलरेडी 2 यहां पर बड़े ग्रुप हमारे सामने निकल कर आ चुके हैं, जहां पर सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है अडानी ग्रुप का। अडानी ग्रुप बहुत ही ज्यादा आगे चल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली वो अहमदाबाद लॉयंस की फ्रेंचाइज को जीत लेंगे और वो इस फ्रेंचाइज के नए ओनर हमें बनते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही गोयनका ग्रुप, जो कि पास्ट में भी आईपीएल के साथ एसोसिएटेड रह चुके हैं, वो भी अब अहमदाबाद लॉयंस को खरीदने की रेस में आ चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अहमदाबाद लॉयंस की टीम आपको आईपीएल 2021 से ही देखने को मिलेगी, जिसका फाइनल डिसीजन आप लोगों को करीब 1 हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएगा, उसकी अपडेट आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो गाइज, ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए अगली वीडियो आप लोग किस टॉपिक या फिर किस टीम के ऊपर देखना चाहते हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।